Christmas to all of you, Merry Christmas to all of you and welcome to my channel. आप सभी का फिर से स्वागत है second part में. What I bought in my Christmas series में, series नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं सिर्फ दो पार्ट ही बना रही हूँ. सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज जो रेस्ट अमाउंट बच गया है मैं आपको दिखाने वाली हूँ. और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको दिखेगा फुटवेयर, ज्वेलरी और मेकअप आइटम्स दिखेंगे, बैंगल्स दिखेंगे, इयररिंग्स दिखेंगे और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी. तो पहला पार्ट तो बहुत ज्यादा शानदार था ही क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने उसमें भी दिखाई, लेकिन सेकंड पार्ट में भी हेयर आइटम्स भी बहुत सारी चीजें आपको आज देखने को मिलेगी. तो उससे पहले आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विजुअल चेक करना है और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं. बहुत ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं देती क्योंकि आप सभी मेरे परिवार है और आपको इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग मैनेज कर लेते हैं, है ना. तो प्लीज लाइक करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ, तो मैंने ये स्क्रंची खरीदा था. अब बोलोगे छोटे छोटे चीज को दिखा रही क्योंकि भाई अब खरीदा है तो मैं दिखा देती हूँ, क्रिसमस के नाम से खरीदा था मैं दिखा दे रही हूँ. तो ये वाली जो स्क्रंची है ये मैंने परचेस किया है, ये ऑर्गेन्जा वाली स्क्रंची है. बहुत सारे सैटन वाले भी आते हैं लेकिन ये ऑर्गेन्जा वाली मैंने परचेस की है, बहुत ज्यादा सुंदर है और इसकी कलर है जो स्नो व्हाइट वाली, जो प्रिंसेस वाली कलर है, इसलिए मैंने इस कलर के नाम से इसे परचेस किया, बहुत ज्यादा सुंदर है. अभी हम लोग पिकनिक विकनिक पे जाएंगे तो बिल्कुल लगा के तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे खरीदा है. ओके, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखानी है और फिर आप लोग धीरे धीरे बोलूंगी, धीरे धीरे दिखाऊंगी, वीडियो बढ़ती जाएगी, बोर हो जाएगी. ओके, बैंगल्स मैं दिखा दूं तो मैंने उसमें एक बैंगल्स दिखाया था, वो भी मैंने खरीदा था. जो फोर्थ बैंगल्स बोलना चाहिए, फोर्थ बैंगल्स जो है वो ये वाली मैंने परचेस की थी, ये ग्लास की है और मैंने ये इसे एक दर्जन खरीदा था. इसमें 12 पीस मुझे मिले थे, बहुत ज्यादा सुंदर है. हालांकि मैंने इसे पहना नहीं था लेकिन क्रिसमस के नाम से मैंने इसे परचेस किया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं इसे फिर पहनूंगी क्योंकि अभी बहुत सीजन खत्म नहीं हुआ है और अभी सारी चीजें होने वाली हैं. तो इसमें ये सब चीजें मैं पहनूंगी और इसके कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इसे साथ में पहनूंगी करके मैंने इसे परचेस किया था. और ये मोती वाली भी, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर लग रही थी मुझे क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज हो जा रही थी और मुझे पहनना था चूड़ा ये वाला, तो इसलिए मैंने बोला कि इसे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और हम लोग फिर किसी समय में पहन. तो उसके बाद जो है वो हेयर एक्सेसरीज में आपको दिखा दी, उसके बाद जो है वो हेयर एक्सेसरीज में आपको दिखा देती हूँ. तो ये वाली हेयर एक्सेसरीज भी मैंने खरीदी थी लेकिन मैंने छोटू वाला लगाया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत अच्छी लग रही थी. ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा ओवर मत लगे करके, तो ये वाली जो है वो मैंने परचेस की, बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन मैं इसे ज़रूर पहनूंगी और कुछ अच्छे ओकेजन में पहनूंगी. फेस्टिवल के लिए ही मैंने इसे लिया था, हो सकता है मैं अभी शादी भी है, शादी में भी पहन सकते हैं, तो शादी में हो सके पहनूँ. तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, एलिगेंट इतना फ्लावर, आह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी. ये मुझे अराउंड पड़ी थी 1000 रुपीज़, मैंने ऑफलाइन खरीदा था, 1000 की मुझे पड़ी. बहुत ज़्यादा सुंदर है और प्रिटी, वेरी प्रिटी प्रिटी प्रिटी. ओके, अब सब चीज़ खरीद रहे हैं भाई, नेल पॉलिश का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. तो नेल पॉलिश के लिए मैंने खरीदा, वहाँ मुझे शुगर की भी मिल रही थी लेकिन मुझे खरीदना था ऑरेंज पिंकिश टाइप का, बट आई डिडंट गेट. और मैं ऑफलाइन ही खरीदना चाह रही थी क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था. अब हम लोग लास्ट शॉपिंग जो है वो 23rd को की है, अब कहाँ से आता है, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन स्विस ब्यूटी की स्ले नील कलर मिली थी और ये मुझे पड़ा 29 का पड़ा और इसका शेड नंबर है 05 सनसेट. बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रिटी कलर है और ये जो कलर है देखिए आप, अब देख सकते हैं ये वाली कलर ही मैंने खरीदा था और ये वाला ही मैंने लगाया, तो बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है. तो नेल पॉलिश के लिए मैंने सिर्फ इसे ही परचेस किया है. Okay. भाई इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं, परफ्यूम लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो परफ्यूम के लिए मैंने खरीदा था, ये 3 परफ्यूम खरीदी थी और एक शुगर की भी खरीदी थी, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा. तो ये है, ये बेला वेटेला लग्जरी परफ्यूम है, ये तीनों उन्हीं का वेरिएंट ऑफ शेड, उन्हीं के वेरिएंट्स है ये. इसमें सेनोरिटा वुमेन है, ओड परफ्यूम है और डेट वुमेन है. तो तीनों के फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है, फ्रूटी है, फ्लावरी है और इतनी सुंदर माइल्ड है. और लॉन्जिविटी की मैं बात करूँ, बहुत अच्छी स्टे करती है, कम से कम 5 to 6 hours तक स्टे करती है. तो इतना लंबा अगर ये स्टे कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी परफ्यूम है. तो परफ्यूम के लिए मैंने ये तीनों खरीदी थी और भी परफ्यूम अभी आपको देखने को मिलेगी. तीनों जो है
वो सेम ब्रांड की है, बहुत सुंदर है। और दूसरी बात तो ये है कि बॉटल ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, कैरी कर सकते ले जा सकते हैं। तो परफ्यूम के लिए मैंने ये जो तीनों हैं वो उसे ऑप्टेट किया था। अब मैं स्मेल को फील तो नहीं करा सकती, लेकिन आपको बता सकती हूँ ये सिट्रस, फ्रूटी, फ्लावरी तीनों अलग अलग वेरिएंट है, इसलिए मैंने खरीदा है, क्योंकि अलग अलग लगाने का अलग अलग मजा है। ओके, मेकअप की मैं बात करूँ तो ये वाली मेकअप मैंने परचेस किया था, और ये पता नहीं कौन सी कंपनी की है, लेकिन मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया। उन्होंने बोला कि ये न्यूली लॉन्च है और बोले कि आप इसे ट्राई कर। ये मुझे कॉस्ट किया है 750 रुपीज़ की, और शेड जो है वो बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया। कलर देखिए बहुत कोरियन, और कोरियन कलर की है, पीच टाइप की कलर है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैंने ब्लश के लिए इसे खरीदा। उद्घाटन नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास जो ब्लश थी मैंने उसे ही यूज़ किया, लेकिन कलर बहुत सुंदर थी इसलिए मैंने इसे खरीदा। लेकिन ये भी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होने वाला है। मेकअप में फर्स्ट आइटम जो है वो ये है। परफ्यूम में भी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक और परफ्यूम खरीदी हूँ, तो ये है शुगर पॉप सिट्रस ब्लेस करके है, और ये मिनी वेरिएंट है, 249 रुपीज़ मुझे कॉस्ट किया था, और बहुत अच्छा इंटेंस परफ्यूम है, लॉन्जिविटी भी अच्छी है, काफ़ी देर तक स्टे करती है, और शुगर तो फिर नाम ही काफ़ी है। तो ये भी मुझे दिखा, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, पॉकेट फ्रेंडली है, आप पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है, इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया है। सिट्रस ब्लेस है, और इसका जो शेड है वो शेड नंबर है वो है 03, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर और यूनिक सा फ्रेग्रेंस है। और मेकअप में ही जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा है, बहुत ही अच्छी और छोटी सी है, और ब्लेंडर मेरी ख़राब हो गई थी तो मुझे ब्लेंडर खरीदना था, ब्यूटी ब्लेंडर, तो बहुत ही सुंदर है और क्यूट सा है, तो इसलिए मैंने इसे ऑप्टेट किया, बहुत सुंदर है। और जब मैं मेकअप की चीज़ें दिखाई रही तो फिर तो ब्लेंडर क्यों छूटे, क्योंकि ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप के साथ मेकअप के इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो मैंने ब्लेंडर खरीदा था वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने परचेस किया, जो कि है मेबलिन फिटमी की, जिसमें मेरा शेड है 115 आइवरी शेड है, और ये तो शायद आप लोग यूज़ करते होंगे, और ये मुझे कॉस्ट किया 259 रुपीज़ में, और बहुत सुंदर। अभी इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, तो ये वाली पैकेजिंग मैंने फर्स्ट टाइम बाई की है, उससे पहले जो हालांकि वो चेंज होते रहता है, और पैकेजिंग की कि मैं क्या ही बात करूँ, तो पैकेजिंग से तो कुछ होता नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जो है कॉम्पैक्ट जो मैंने परचेस किया वो ये है, मेबेलिन की 115 शेड है इसका, 16 आवर्स तक स्टे करती है, और इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जो है मैंने ये वाली जो है साड़ी पीन खरीदी, और ये है सिलतारा की तरफ से है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और थोड़ी एंटिक टाइप की लगी, तो ये वाली जो साड़ी पीन है मैंने अपनी साड़ी के नाम से इसे खरीदा, और सेम ऐसी मम्मी ने भी खरीदा, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, तो हम लोग के पास सेम है, हालांकि थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है उनकी, लेकिन सेम ब्रांड की हमने खरीदी, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। और तो साड़ी पिन में मैंने ये वाली परचेस, फाउंडेशन के लिए मैंने लिया मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन। एक गड़बड़ मेरे से ये हो गई क्योंकि शॉप क्लोज होने वाली थी, और हड़बड़ में हमने शॉपिंग की, 10:30 बज रहे थे, और भैया जी ने बोला कि अब शॉप जो है वो क्लोजिंग का टाइम हो गया, तो इसमें और मेरी मेबेलिन फिट में शेड का थोड़ा सा फ़र्क हो गया, 128 आ गया और ये 115 आ गया, अब क्या कर सकते हैं, खरीद लिया मैंने तो शेड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं जो फाउंडेशन ली हूँ वो मेबेलिन की फिट में फाउंडेशन है, जिसमें मेरा शेड है 128। इसमें आर्चिस कलेक्शन भी आए हुए थे, लेकिन उसमें जो है मेरा शेड नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने उसे ऑप्टेट नहीं किया। ओके, तो मैंने लिपस्टिक 3 खरीदी, ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से, और ये टीन की तरफ से, और बहुत सुंदर शेड मैंने खरीदा है, और ये लिप क्रियॉन है, तीनों ही लिप क्रियॉन है, और कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि मुझे पिंक टाइप से चाहिए था, हॉट पिंक चाहिए था या मैजेंटा टाइप से पिंक चाहिए था, तो ये तीनों उस टाइप के शेड है, ये न्यूड कलर है, बाकी जो ये दोनों है आपको देखने को मिल रहा है वो पिंक टाइप का है, इसलिए मैंने लिप क्रियॉन के लिए ये तीनों टाइप के शेड ऑप्टेट किए। हालांकि मैं लिप क्रियॉन लिपस्टिक में भी लिप क्रियॉन यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने ये परचेस किया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे मेकअप आपको दिखाने हैं। ओके, शेड लगा के मैं नहीं दिखा रही हूँ, अब ये पूरी पैक है,
लेकिन पिंक कलर है बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बाद जो है ये मैंने कंसीलर लिया क्योंकि मैं थोड़ी जो मैं स्विस ब्यूटी का यूज करती हूँ वो खत्म होने वाला था, तो ये मुझे कॉस्ट किया 375 रुपीज का, और जो है वो फ्लिका कंपनी की है, कवर स्टोरी है। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, और इसमें जो मेरा शेड नंबर है वो वार्म आइवरी है, 01 है इसका शेड नंबर। तो ये फ्लिका कंपनी की है और आई होप आपको मालूम होगी क्योंकि वेरी नोन कंपनी है। तो मैंने सोचा कि मैं उसका, तो स्विस ब्यूटी का मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, मैं नेक्स्ट थोड़ा ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने कंसीलर के लिए जो है वो इसे ऑपरेट किया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पर्पल से भी कुछ कुछ मेकअप आइटम मंगाया था, तो इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं अपना लास्ट फुटवेयर ने बोला आपको कि और मैंने परचेस किया है, तो ये भी मैंने मेट्रो से खरीदा है, और ये वाली जो फुटवेयर है वो मैंने परचेस की है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इस टाइप की मुझे चाहिए ही थी, मैं काफी दिनों से खोज रही थी, लेकिन पहली बार जो है मैं मेट्रो गई और मुझे दोनों फुटवेयर एक नज़र में पसंद आ गई, और ये जो है बहुत सुंदर है, थोड़ी सी क्रीमी टाइप की कलर है और जो है वो प्योर वाइट नहीं, हालांकि शायद आपको लग रही होगी वाइट या फिर कुछ डिफरेंट, लेकिन ये जो है वो प्योर क्रीम टाइप की कलर है, और ये मैं पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो बहुत अच्छे जगह में मैं इसे पहन के जाने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं फुटवेयर के नाम से जाती हूँ लेकिन मैं निराश होकर वापस आती हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी मिलती नहीं है, लेकिन इस बार मुझे वो दोनों एक साथ पसंद आ गई, तो मैंने जो फुटवेयर है इसे भी अपडेट, इसे भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो इस पर मैंने जो है ये सारी आइटम खरीदी है, तो ये सिर्फ लिप आइटम है, तो इसमें सिर्फ आपको लिप आइटम, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें ही दिखेगी क्योंकि मैंने लिपस्टिक ही ऑर्डर की है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैंने खरीद लिया था। तो ये NYB की मैट लिपस्टिक खरीदी है, सुपर मैट लिपस्टिक है और बहुत सुंदर कलर है, और ये मुझे 195 रुपीज इसने मुझे कॉस्ट किया है, और इसका जो शेड नंबर है वो 21 है। बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रिटी कलर है, ये आप देख सकते हैं, ये लिप्स में भी अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। स्वेच करके मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारा मेकअप आपको दिखाना है। ओके, उसके बाद जो है, हालांकि मैं इसका नहीं लगाती हूँ लिपस्टिक, लेकिन इसका जो शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, LA 18 का जो एकदम ब्राइट कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि डेली वेयर के लिए इसे ले लेते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। और ये मुझे प्राइस किया 100 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का ये मुझे कॉस्ट किया है। उसके बाद जो है वो मैंने लिप ग्लॉस परचेस किया, और ये मुझे 225 रुपीज़ कॉस्ट की है, और ये ग्लिटर लिप ग्लॉस है, और इसमें जो शेड है मेरा 7 है, कैरेमल कैशू, और इसका शेड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो लिप ग्लॉस मैं बहुत समय से खोज रही थी अच्छा वाला शेड मुझे मिल जाए, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चेक। बहुत सारे प्यार दीजिएगा, मैं आपसे फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार करिए, और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।